शबीर जी हैं, आगे चल रहे हैं और बाकायदा अब उनका। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि कश्मीर के विकास के बगैर भारत विकसित देश नहीं बन सकता। कश्मीर घाटी के जिला गांदरबल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मानसबल पार्क में बेरोजगार मुक्त गांदरबल पहल के तहत आयोजित किए गए मेगा जॉब फेयर और गांदरबल जिले में विकास की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मानसबल पार्क में 19 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 5.39 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जिला विकास परिषद गांदरबल के अध्यक्ष नुजहत इश्वाक, जिला विकास आयुक्त गांदरबल श्यामबीर के अलावा बड़ी संख्या में पीआरआई सदस्य और जिला गांदरबल के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आज कश्मीर अपने बुरे दौर से निकलकर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक साल में 2 करोड़ से अधिक पर्यटकों का कश्मीर आना यह दर्शाता है कि कश्मीर फिर जन्नत बन रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी के अथक परिश्रम से, उनके प्रेरणा में काम करने वाले लोगों के सहयोग से और कश्मीरी भाइयों बहनों के सहयोग से कश्मीर जो अपने वैभव को खोने की ओर बढ़ गया था और किसी बुरी नजर का शिकार यह कश्मीर हो गया था, बुरी नजर की, जिसके कारण कश्मीर कई परिस्थितियों से घिर गया था, लेकिन पवित्र मन से विकास की नजर और कश्मीर के सम्मान, अधिकार और न्याय की नजर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर में काम शुरू किया और आज कश्मीर शांति का प्रतीक बना हुआ है, विकास के रास्ते पे चल ही नहीं रहा है, दौड़ रहा है। यहाँ की सड़कें, यहाँ बिजली की सप्लाई, यहाँ के अस्पताल, यहाँ के स्कूल, यहाँ एम्स का बनना और मेडिकल कॉलेज का बनना और पर्यटकों की संख्या एक साल में 2.25 करोड़ आना, यह साबित करता है कि कश्मीर फिर जन्नत बनने की राह पर बहुत आगे बढ़ चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह योगदान कभी न कश्मीर भूल सकता है। बिना कश्मीर के विकसित हुए हुए हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इस मनोबल से इसके साथ काम हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में, उनके नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर प्रशासन और यहाँ के चुने गए जनप्रतिनिधि या जो चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत में जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़े हैं, उस सब मिलकर आज एक ताकत बनकर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम।